गया रे। चांद हो गया, कल ईद है ना? ओहो, कल ईद है, कल ईद है, कल ईद है। घरवाला तो कब का चला गया, जवान बेटे को हैसे ने छीन लिया पिछले बरस। बहू उसके गम में मर गई। अब ये ईद किसके लिए आई है? क्या करेगी ये जन्म चली इस ईद का? त्योहार है और घर में खाक उड़ रही है, ना शक्कर है ना सिवैया। अकेली होती तो सबर कर लेती, बच्चे को कैसे समझाऊंगी? दादी, ओ दादी, चांद रात की बधाई हो दादी। अरे रामकली, कैसा चांद और कैसी चांद रात। मेरे चांद को तो ऐसे ने मिट्टी में सुला दिया। अरे शुक्र करो दादी, तुम्हारी गोद में तुम्हारे पूत की निशानी तो है। हाँ, हामिद के कारण ही तो जिंदा हूं। बोल, कैसे आना हुआ? हामिद के लिए रोज एक पैसे का दूध ले थो, पूछे आए रहन कि दूध अब बंद तो ना ही करे का है। अरे नहीं, बंद काहे को करना है? अरे उस नन्नी सी जान को खिलाती ही क्या हूं। एक पैसे का दूध भी उसके पेट में नहीं जाएगा तो पलेगा कैसे? तब ठीक है, अब तक के दूध के 6 आने हुए गए हैं। हाँ, यही बताने आए रहन। 6 आने? हाँ ठीक है, ले लेना। नहीं दादी, हमका भी जानवर पाले का है। अरे जब से सूखा पड़ा है तभी से चारे की बड़ी तंगी है। जब कल पैसा दोगी तभी हम दूध देंगे। हाँ अरे, ये तो तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कुछ कपड़ों की सिलाई करके अठन्नी कमाई थी, 6 आने तुम्हें दे दूंगी तो बाकी बचेंगे 2 आने। 2 आने में मुहर्रम तो होता नहीं, ईद कैसे होगी? खैर, ये लो अपनी अठन्नी में से 6 आने, बाकी 2 आने वापस कर दो। ये लो दादी, हिसाब चुकता। अब आएंगे हम कल दूध लेके, ठीक है? ठीक है। अरे ये हामिद पता नहीं कहां चला गया। इसे इतनी बार कहा है कि चिराग चलने के बाद घर से बाहर मत जाया कर, कहां ढूंढूं इसे? देखना, तेल से नरम पड़ जाएगा रात में। इतना तेल मत लगाओ,
खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तेल लगा लो, नहीं तो पैर में छाले पड़ जाएंगे। मेरे पैर में काट लिया था जूते ने पिछली साल। चमचम करती टोपी आई, ये देखो क्या टोपी आई। गंदे हाथ मत लगाना, कल देखना क्या चमकेगी सूरज में। मेरा नया जूता आया है। अरे देखो देखो, वाह नया है। मेरे पास 8 पैसे हैं, सवेरे 10 पैसे इजी मिलेगी, खूब मेला घूमूंगा। मैं भी 12 पैसे लेकर जाऊंगा ईदगाह। जाओ जाओ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। 20 पैसे हैं, बड़े रेशम के रुमाल में बांधकर अम्मा ने रखे। तेरा जूता कहाँ है? अब्बा लाएंगे। और अब्बा कहाँ है? बहुत दूर गए हैं काम पर। मेरी अम्मा ने 20 पैसे दिए, तेरी अम्मा कितने देगी? वो मेरे लिए कपड़े लाएगी, लाल बनियान लाएगी और मिठाई भी बहुत सारी लाएगी। कहाँ से? अल्लाह मियाँ के यहाँ से। ओ हामिद, क्या है दादी? अरे बेटा क्या कर रहा है, क्यों मुझ पुड़िया को अंधेरे में ठोकरे खिलवाता है रे? चल घर चल, रोटी नहीं खानी है क्या? दादी तुम चलो, मैं आता हूँ, मुझे भूख नहीं है अभी। भूख नहीं है तब भी घर चल। दादी कल हम सब ईदगाह जाएंगे। ठीक है, अल्लाह तुम सबको ईद की खुशियाँ दिखाए। अरे चल हामिद घर चल, अंधेरा हो रहा है बेटा। ए मेरे को भी ले चलना ईदगाह। हाँ पर नहाकर कपड़े बदल कर चलना होगा। मैं नहा लूंगा पर मैं भी ईदगाह चलूंगा। अरे कौन ईदगाह जाएगा, पागल हुआ है क्या? चल घर चल, उठ जल्दी कर चल। दादी आओ ना बातें करते हैं। आती हूँ बेटा, तेरे लिए 2 रोटी का जुगाड़ तो कर लूं। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। आती हूँ। आय अल्लाह। बोल क्या कह रहा था? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाथ जल गया। सबके अब्बा आ गए, मेरे अब्बा क्यों नहीं आए? तेरे अब्बा बहुत दूर गए हैं ना बेटा। इतनी दूर क्यों गए कि ईद पे ही ना आ सके? तेरे लिए बहुत पैसे कमाने हैं ना। कल ईद है, मुझे पैसे कौन देगा? क्या अम्मा आएगी? मैं जो हूँ बेटा, मैं पैसे दूंगी अपने लाल को। दादी तू पैसे देगी मुझे? मैं दूंगी पैसे अपने लाल को। ये देख, ये 1 पैसा, 2 पैसे और ये 3 पैसे। ठीक है हामिद। अरे हामिद जल्दी आओ, ईद का चलना है ना। हामिद आता है बेटा, अभी तैयार हो रहा है, अभी आ जाएगा। बेटा हामिद अभी छोटा है, जरा उसका ख्याल रखना। तुम फिकर मत करो दादी, बिल्कुल फिकर मत करो, वो हमारे साथ रहेगा। हामिद आ जाओ, देर हो रही है। आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे हामिद देर हो रही है, जल्दी आओ ना। चलो चलो। अरे चलो। पैसे रख लिए हैं या यूं ही भागा जा रहा है? रख लिए। चलो सुन, भूख लगे तो मिठाई लेकर खा लेना। अल्लाह मेरे भला चंगा वापस लाना मेरे बच्चे को। पर तेरा जूता कपड़े का है,
हम लोग ईदगाह जा रहे हैं ना? हाँ। तो फिर हमको दूसरों के बाग में चोरी से फल नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो हमें गुनाह पड़ेगा। हाँ, अल्लाह मियाँ खफा होंगे। तो हम अब सीधे ईदगाह जाएंगे, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। अमित चले। ओ, दर्द हो रहा है। अब्बा को आने दो, बताता हूँ कांटा लगता है कितना दर्द होता है। अगली ईद पर बिना जूते ईदगाह मत आना। चलो चलते हैं। आराम आराम। अंदर आ जाओ चौधराइन मालकिन। अरे कौन? मैं हूँ अमीना। आओ अमीना, आ जाओ अंदर। सलाम। सलाम अमीना, आओ बैठो। बड़े दिनों के बाद आई अमीना, ईद मुबारक हो। आपको ईद मुबारक हो। हम जन्म जलों की क्या ईद और क्या शब बारात। अरे तेरी बहू तो बड़ी बारीक सेवैया बटती थी, जिसे त्योहारी पे उसके हाथ की बटी सेवैया मिल जाती तो जी खुश हो जाता। हाँ मालकिन, बड़ी गुनी लड़की थी। तेरा बेटा तो हैजे में मरा, पर तेरी बहू को क्या हो गया था? अरे दिनों दिन पीली ही पड़ती चली गई। क्या बताऊं मालकिन, मुकद्दर ही खराब था इस जन्म चली रान बेवा का। मियाँ का गम खा गया उसे। किस्मत ही खराब थी और क्या। हामिद कहाँ है, उसे नहीं लाई? हामिद ईद का गया है, बहुत मना किया, माना ही नहीं। अल्लाह खैरियत से लाए। अच्छा अच्छा, ये सेवैया ले और बच्चे को पका के खिला दे। अल्लाह बनाए रखे आपको। अच्छा चलती हूँ। अच्छा, सलाम सलाम। ईद मुबारक। और भाई आपको भी ईद मुबारक। बहुत मैं तो रेल पर बैठूंगा, तू किस पर बैठेगा? नहीं मैं नहीं बैठूंगा। अरे बैठ, बड़ा मजा आता है। एक पैसे की तो बात है। नहीं, बड़ा कंजूस है तू, फिर मेला घूमने क्यों आया है? तुम लड़ो, मैं चला सामने की दुकान पर। चलो बैठे। अरे लो खा लो, बड़ी मजे की है। अरे लो ना, लो लड्डू खाओगे? पता है टाइफाइड गंदा करती है। अच्छा, कौन कहता है? किताब में लिखा है, मक्खी बैठती है मिठाई पर। छी, मैं तो कभी नहीं खाऊंगा। कभी नहीं खाएंगे, जेब में पैसे भी हैं। 3 पैसे लेकर तो निकला है, मिठाई क्या खाएगा? 1 पैसे की रेवड़ी खा ले। रेवड़ी तो मेरी अम्मा लाएगी, तब देखना तुम सबको ठेंगा दिखाकर खाऊंगा। ये देखो मेरा वकील, ये देखो मेरा वकील। कहाँ से लिया? इधर खिलौनों की दुकान से। नूरा जरा बता, मैं भी देखूंगा। अरे नहीं, बहुत महंगा है, 2 पैसे का। बस हाथ लगाकर वापस कर दूंगा। अरे नहीं बाबा, मेला आ जाएगा। चलो हम लोग भी खिलौने देखेंगे। चलो चलो, चलो। एक गुब्बारे वाले,
ये खंजड़ी कितने की है? 3 पैसे की है। जरा दिखाओ। पहले पैसे दो, पहले ये लो 3 पैसे और एक मुझे दो। ये लो। नूरा जरा बता, मैं भी खंजड़ी बजा कर देख लूं। नहीं नहीं, तुम्हें खंजड़ी बजाना थोड़ी आती है। तोड़ दोगे? तोड़ूंगा नहीं नूरा, खेल के दे दूंगा। अभी नहीं, घर पे आके खेलेंगे। देखो मेरे सिपाही, जो भी चू करेगा बंद कर देगा थाने में। हाँ होशियार रहना। थाने में कैसे बंद करेगा? मेरा वकील पल भर में छुटलाएगा अदालत से। ये देखो बिस्ती, अगर ये पानी ना दे तो मियाँ सिपाही और वकील दोनों प्यासे मर जाएं। कौन है भैया? लाकी। हाँ बुआ, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। कहाँ से आ रहे हो? ईदगाह से आ रहा हूँ बुआ। नमाज खत्म हो गई क्या? हाँ हो गई। क्यों, क्या बात है? हामिद नहीं लौटा अब तक, वो भी लड़कों के साथ ईदगाह ही गया है। लड़कों के साथ गया है ना बुआ, तो आ जाएगा पाँव पाँव। मैं तो बैलगाड़ी से आया हूँ ना। चलो। अच्छा चलो। क्यों बेटा, क्या देख रहे हो? यहाँ तो तुम्हारे काम की कोई भी चीज नहीं है। भैया ये कितने का है? ये चिमटा 5 पैसे का। भैया मेरे पास तो 3 पैसे हैं, 3 पैसे का ही दे दो ना। 3 पैसे का चिमटा? चल्ला। ये हामिद लोहे की दुकान पर क्या कर रहा है? कुछ लिया है उसने? हाँ छिपाए हुए है। बहुत अकड़ता हुआ आ रहा है। हामिद दौड़ कर आ जा जल्दी, अब घर चले। पट्टा कुछ लिया तो है हाथ में, अगर तू दौड़ कर नहीं आता तो तुझे पकड़वाने के लिए अपने सिपाही भेजता। ये देख। मैं तुम्हारे सिपाही से अब नहीं डरता। क्यों? जानते हो मैंने कौन सा खिलौना खरीदा है? दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ ना। रुस्तमेंद है मेरे पास, रुस्तमेंद। ये रहा मेरा रुस्तमेंद। बारे गधे, ये भी कोई खिलौना है? पागल, ये काला कलूटा चिमटा कहाँ से लिया तूने? चिमटा? अबे ये चिमटा कौन सा रुस्तमेंद है? ला अपने बिश्ती को, उसकी मशक का पेट ना फाड़ दे तो कहना। पेट फाड़ेगा तो मेरा सिपाही बंद नहीं कर देगा। अरे तो हो जाए, मेरे चिमटे और तुम्हारे सिपाही की कुश्ती, एक हाथ में टांग कहीं पड़ी होगी और हाथ कहीं। अच्छा अच्छा, बोलते की मत बगाड़ो। मेरा वकील हर दम कानून की किताब अपने पास रखता है, अदालत में खड़ा कर देगा तुम्हारे चिमटे को। अरे जाओ, वकील साहब के पेट में ऐसा छेद करेगा ये चिमटा कि सारा कानून बाहर आ जाएगा। बच्चू हामिद बात तो सही कह रहा है, इसका खिलौना तो लोहे का है। हाँ ये तो है। कितने का लिया? दुकानदार तो 5 पैसे मांग रहा था, पर मैंने 3 पैसे में ही ले लिया। 3 पैसे? पर तेरे पास तो कुल 3 ही पैसे थे। हाँ तो यार, तूने अपने सारे पैसे का ये चिमटा ले लिया तो क्या हुआ? काम भी तो बॉस से करूँगा। कंधे पर रखो तो बंदूक, यूं बजाओ तो मंजीरा। मैं हाथ में लेकर देख सकता हूँ? नहीं, तू मेरा बिस्ती देख ले। हामिद का खिलौना सच मानो दमदार है। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम सबके खिलौनों के आगे ये कुछ भी नहीं, ये इतने प्यारे हैं कि बस बोल ही पड़े। ठीक है अब घर चलते हैं। चल। क्या खिलौने हैं, बहुत अच्छे खिलौने। अब रुक जा मोहसिन, सिपाही और वकील आ गए, तुम इधर पानी छिड़कवा लो। चलो भिश्ती पानी छिड़को। सिपाही ईदगाह से घर तक ले आए हैं, अभी गश्त पर पहरा देने भी निकलेंगे। हाँ महमूद आवाज लगाओ, सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। महमूद भाई, लगता है वो अपने वकील साहब की बारी है। अपना रुस्तमेंद नहीं टूट सकता, मैं चलता हूँ।
दादी। अरे कितनी देर लगा दी तूने? देर कहाँ लगाई दादी, 3 कोस दौड़ा चला आ रहा हूँ। सुबह बिना कुछ खाए पिए भाग गया था, वहाँ कुछ खाया? क्या खाता? क्यों, मेले में तो पेड़े बर्फी सब कुछ मिल रहा होगा। मिठाई तो मेरी माँ लाएगी एक दिन, तब पेट भर कर खा लूंगा। तो कोई खिलौना लाया? खिलौना? हाँ लिया तो है। दिखा मुझे। अरे दिखा ना। ये देखो। अरे ये क्या उठा लाया तू? चिमटा है दादी। तो इस दीवाने को देखो, है मेरे खुदा। अरे इसका क्या करेगा तू, बोल क्या करेगा तू? दादी ये रुस्तम है, आग से भी नहीं डरता। अरे भाड़ में जाए तेरा रुस्तम। मैंने अपना दिल मारकर क्या तुझे पैसे इसलिए दिए थे कि इस बेकार के लोहे पर खर्च कराए? बोल कितने का है ये? 3 पैसे का। क्या 3 पैसे का? अरे नालायक, सारे पैसे इस बेकार के लोहे पर खर्च कराया? बोल क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया तूने ऐसा? अरे अल्लाह, सारे पैसे इसने खर्च कराया। दादी मुझे चिमटे वाले की दुकान पर कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था? यही कि तुम्हारे पास एक चिमटा तक नहीं, रोटी पकाती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं। ये चिमटा तू मेरे लिए लाया है? हाँ, अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। तू ईद कहाँ से अपने सारे पैसों के बदले मुझ पुड़िया के लिए चिमटा लेकर आया? लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरा बच्चा, मैं तुझ पे सद के जाऊं, मेरा बेटा।